पर टुडे मैं जावेद अंसारी, हम इस समय मौजूद हैं रीवा की पहाड़िया में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर 25 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे। कचरे से बिजली बनेगी, आज इस संयंत्र का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं इस समय लोकार्पण के बाद वहाँ का नज़ारा किस तरीके से। तो आइए सीधे आपको पहाड़िया ले चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया और अपने भाषण में क्या कुछ खास कहा। बिंदे ने इसका एक बनाया था कि कभी भी वनवास खत्म हो जाए। सवा साल का वनवास था, सवा साल के बाद ही आपके आशीर्वाद से फिर से सरकार वापस बनी है। और मैं इस संकल्प के साथ आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जैसे आपने छप्पर फाड़ का समर्थन दिया है, मैं छप्पर फाड़ के विकास की योजनाएं दूंगा। मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मिला, ये सरकार आपकी है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। सवा साल आपने दूसरी भी देखी, पहले लोगों ने कूका पहाड़िया में कचरा। मेरे बहन भाइयों, कचरा दौलत हो गया, इस कचरे से खाद भी बनेगा और इसी कचरे से 6 मेगावाट बिजली बना के भी दे देंगे। कचरा दौलत है आज, कचरे का मतलब ये नहीं कि कोई कचरा साफ पड़ा रहे। कचरा वैज्ञानिक विधि से प्रोसेस होगा और खाद भी बनेगा, बिजली भी बनेगी, बिजली का प्लांट का काम शुरू हो गया। पहाड़िया के बहनों और भाइयों, अभी जब मैं प्रवेश कर रहा था तो बच्चे मिले थे, बेटियां कलर भरे हुए थे और उन बेटियों ने एक बात कही मुझे कि हाई स्कूल तो खुल गया मामा जी, इसको हायर सेकेंडरी और करवा दो 10वीं से 12वीं, तो अगले साल 12वीं तक का स्कूल यहां शुरू कर दिया जाए। विकास के लिए यहां स्वास्थ्य केंद्र का भवन के लिए पहाड़िया पहाड़िया में स्वास्थ्य केंद्र का भवन भी बना दिया जाए। और ये जरा कनेक्टर कमिश्नर बैठे, ये पटना पहाड़िया नहर कौन सी जरा दिखवाओ, इसके निर्माण की बात कही, इसको भी शीघ्र करवाया जाएगा। क्या है मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन इसको नोट कर पहाड़िया आगे बढ़ेगा, ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, इस पूरे जिले के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, केवल शहर के लिए नहीं, आज जब मैं यहां गांव में आया हूं तो बिहार नदी पर आधारित मेरी बहनों, अभी हैंडपंप से पानी भरना पड़ेगा, ये हैंडपंप के पानी की खटर खटर मुझे बंद करवानी है। और हर घर में मेरी बहनों नल जल लगा के टोटी वाला, जैसे टोटी खोलोगे घर घर पानी आएगा घर के अंदर। बताओ हर घर नल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, हर गांव से बताओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और इसलिए बिहार नदी पर आधारित एक कंदेला ग्रामीण समूह पेयजल योजना 132 करोड़ 123 करोड़ 72 लाख रुपए की हम स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे पहाड़िया की बहनों को भी पानी मिलेगा, आसपास के गांव को शुद्ध पेयजल मिलेगा। 15 साल पहले की हैंडपंप का नहीं, नल जल।